स्पोकन ट्यूटोरियल में इनपुट एंड आउटपुट पर आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कुछ वैल्यूज को प्रिंट करना, फॉर्मेट स्पेसिफायर का उपयोग करके प्रिंट करना, यूजर से इनपुट लेना और इनपुट लेने से पहले यूजर को प्रॉम्प्ट दिखाना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux 16.04 ऑपरेटिंग सिस्टम, Python 3.4.3 और IPython 5.1.0। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि IPython कंसोल पर बुनियादी Python कमांड्स कैसे रन करना है। यदि नहीं तो इस वेबसाइट पर संबंधित Python ट्यूटोरियल देखें। IPython शुरू करें। टर्मिनल खोलें, टाइप करें IPython 3 और एंटर दबाएं। यहां से याद रखें कि टर्मिनल पर प्रत्येक कमांड टाइप करने के बाद एंटर की दबाना है। इस ट्यूटोरियल को स्ट्रिंग के साथ शुरू करते हैं। टाइप करें a is equal to डबल कोट्स में this is a string। a की वैल्यू देखने के लिए a टाइप करें। टाइप करें print parenthesis में a। यह a की वैल्यू भी प्रिंट करता है लेकिन आउटपुट में अंतर है। केवल a टाइप करने से a का कंटेंट प्रदर्शित होता है। स्टेटमेंट प्रिंट parenthesis में a स्ट्रिंग को ही प्रिंट करता है। हम अंतर को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जब हम उनमें नई लाइनों के साथ स्ट्रिंग्स का उपयोग करते हैं। टाइप करें b is equal to डबल कोट्स में a लाइन backslash and new line। टाइप करें b। जैसे कि आप देख सकते हैं यह सिर्फ दिखाता है कि b में new line कैरेक्टर है। टाइप करें print parenthesis में b। यह string a line और फिर अगली लाइन में new line प्रिंट करता है। Python में print statement string formatting को सपोर्ट करता है। अब हम डेटा आउटपुट के विभिन्न तरीकों को देखेंगे। परसेंटेज स्ट्रिंग ऑपरेटर को फॉर्मेट ऑपरेटर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए परसेंटेज डी इंटीजर फॉर्मेट को निर्दिष्ट करता है, परसेंटेज एस स्ट्रिंग फॉर्मेट को निर्दिष्ट करता है और परसेंटेज एफ फ्लोट फॉर्मेट को दर्शाता है। टर्मिनल पर वापस जाएं, एक्स असाइन करते हैं जैसे कि दिखाया गया है। x की वैल्यू प्रिंट करने के लिए दिखाए गए अनुसार टाइप करें। यहां परसेंटेज 3.2f आउटपुट को फ्लोट में निर्दिष्ट करता है और 0.2f को 2 दशमलव स्थान तक की वैल्यू है। हम एक और उदाहरण देखेंगे। दिखाए गए अनुसार टाइप करें। यहां इसमें 4 दशमलव स्थान तक वैल्यू है। इसके बाद दो और वैल्यू असाइन करें। टाइप करें y is equal to 2, z is equal to डबल कोट्स में red। x, y और z की वैल्यू प्रिंट करने के लिए दिखाए गए अनुसार टाइप करें। मॉडिफायर्स का उपयोग करके प्रिंट करने के लिए विभिन्न आर्गुमेंट्स को पास किया जा सकता है। x, y और z की वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के स्थान में प्रतिस्थानिक है, जैसे क्रमशः परसेंटेज 2.1f, परसेंटेज d और परसेंटेज s। वीडियो को रोकें, इसका अभ्यास करें और वीडियो को फिर से शुरू करें। जब आप निम्नलिखित निष्पादित करते हैं तो क्या होता है? हल के लिए टर्मिनल पर जाएं, दिखाए गए अनुसार टाइप करें। यहां x की int वैल्यू और y की float वैल्यू फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के अनुसार प्रिंट होती है। यह float के लिए डिफॉल्ट वैल्यू से 6 दशमलव स्थानों को प्रिंट करता है। आमतौर पर प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट को एक नई लाइन में प्रिंट करता है। अब हम देखेंगे कि न्यू लाइन कैरेक्टर को कैसे रोकना है। टेक्स्ट एडिटर खोलें और निम्न कोड टाइप करें। न्यू लाइन कैरेक्टर को एंड is equal to सिंगल कोट्स में a स्पेस पास करके रोका जा सकता है।
स्क्रिप्ट को print_example.py के रूप में सेव करें। टर्मिनल पर वापस जाएं। %run space print_example.py टाइप करके कोड को रन करें। हम देख सकते हैं कि प्रिंट स्टेटमेंट नई लाइन के बजाय स्पेस प्रिंट करता है। अब हम यूजर से इनपुट लेने पर विचार करेंगे। हम इसके लिए इनपुट फंक्शन का उपयोग करेंगे। टाइप करें ip is equal to input open और close parenthesis। कर्सर संकेत कर रहा है कि ये इनपुट की प्रतीक्षा कर रहा है। टाइप करें an input और एंटर दबाएं। अब देखते हैं कि ip की वैल्यू क्या है। ip टाइप करें। हम देख सकते हैं कि इसमें स्ट्रिंग an input है। वीडियो को रोकें, इसका अभ्यास करें और वीडियो को फिर से शुरू करें। 5.6 को इनपुट के रूप में प्रविष्ट करें और इसे C वेरिएबल में संचित करें। हल के लिए टर्मिनल पर जाएं। हमें इनपुट कमांड का उपयोग वेरिएबल C के साथ करना है। टाइप करें C is equal to input open और close parenthesis। इनपुट के रूप में 5.6 प्रविष्ट करें। एंटर दबाएं। इनपुट वैल्यू देखने के लिए C टाइप करें। अब C का डेटा टाइप देखते हैं। टाइप करें type parenthesis में C। हम देखते हैं कि C एक स्ट्रिंग है। क्योंकि इनपुट कमांड हमेशा इनपुट को स्ट्रिंग के रूप में लेता है, इनपुट चाहे जो भी हो। वीडियो को रोकें, इसका अभ्यास करें और वीडियो को फिर से शुरू करें। निम्न स्टेटमेंट को निष्पादित करें। क्या होता है जब आप कुछ भी प्रविष्ट नहीं करते हैं और एंटर दबाते हैं? हल के लिए टर्मिनल पर वापस जाएं। टाइप करें d is equal to input open और close parenthesis। कोई भी इनपुट दिए बिना एंटर दबाएं। प्रॉम्प्ट प्राप्त करने के लिए फिर से एंटर दबाएं। इनपुट वैल्यू देखने के लिए टाइप करें d। जब कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया जाता है तो इनपुट के रूप में एक खाली स्ट्रिंग माना जाता है। यूजर की सहायता के लिए हम प्रॉम्प्ट को प्रदर्शित करने के लिए इनपुट का उपयोग भी कर सकते हैं। अब हम इनपुट पाने के लिए प्रॉम्प्ट देंगे। टाइप करें ip is equal to input parenthesis में डबल कोट्स में please enter a number backslash n। मैं इनपुट के रूप में 12 दूंगी। इस प्रकार हम यूजर से इनपुट पाने के लिए प्रॉम्प्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचते हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा प्रिंट स्टेटमेंट का उपयोग करना, प्रिंट स्टेटमेंट में फॉर्मेट स्पेसिफायर्स %d, %f और %s का उपयोग करना, इनपुट फंक्शन का उपयोग करके यूजर से इनपुट लेना और इनपुट लेने से पहले यूजर को प्रॉम्प्ट प्रदर्शित करना। यहां हल करने हेतु आपके लिए कुछ स्वतः निर्धारण वाले प्रश्न हैं। पहला, a is equal to input open और close parenthesis और यूजर 2.5 प्रविष्ट करता है, a का टाइप क्या है? दूसरा, यदि a is equal to 2 और b is equal to 4.5 तो निम्नलिखित क्रिया का परिणाम क्या है? और उत्तर है, पहला, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या प्रविष्ट करते हैं, उसे स्ट्रिंग के रूप में लिया जाएगा, इसलिए 2.5 स्ट्रिंग है। दूसरा, चूंकि b को पहले कॉल किया जाता है, यह b की इंटीजर वैल्यू प्रदर्शित करेगा क्योंकि उपयोगित मॉडिफायर %d है। इसी प्रकार a की फ्लोट वैल्यू इसके मॉडिफायर %2.1f के कारण प्रदर्शित होगी, इसलिए आउटपुट है a is 4 और b is 2.0। कृपया अपनी समयबद्ध क्वेरी को इस फोरम में पोस्ट करें। कृपया पाइथन से संबंधित अपने सामान्य प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें। फॉसी टीम टीबीसी परियोजना का समन्वय करती है। स्पोकन ट्यूटोरियल एनएमईआईसीटी एमएचआरडी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है, मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।